Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am going to teach you standard. This is your standard 4th and environmental studies part 2. And today I am going to teach chapter number 4, Shivaji's childhood. This is going to be interesting. Shivaji Maharaj ke bachpan ke baare mein. See, first aapko ek mahal dikh raha hai. Birthplace of Shivaji Maharaj at Fort Shivnari. Yahan pe unka janam hua tha Shivnari mein. Abhi birth of Shivaji Maharaj. Those were very unsettled days. Shahjahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal of town of Shahaji Raje's Jagir, was burned to the ground by the Adil Shah of Bijapur. Shahaji Raje was in a real trouble. Us time bahut halchal mach raha tha kyunki Shahjahan ne नॉर्थ से बड़ी सी आर्मी डकैन में कॉन्कर करके जीतने के लिए भेज दिया था और पुणे जो मेन है शाहजी राजे जो इनके पिताजी हैं शिवाजी के वो वहाँ के हेड थे उनके पूरे जहांगीर उसको जागीर को बर्न कर दिया आदिल शाह बीजापुर ने. शाहजी राजे वॉज ए रियल ट्रबल अभी मुसीबत में हो गए. ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन. वो बहुत मुसीबत में फंस गए और वो इधर उधर भाग रहे थे अपने आप को बचाने के लिए. जीजाबाई वॉज प्रेग्नेंट उस टाइम में उनकी वाइफ जीजाबाई प्रेग्नेंट थी. एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरी शाहजी राजे वॉज सम प्लेस वेयर शी कुड रिमेन इन सेफ्टी एंड पीस. उस टाइम उनको ये था कि इस टाइम में अपनी वाइफ को कैसे भी सुरक्षित करना तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे. देन ही रिमेंबर्ड द शिवनरी फोर्ट एंड डिसाइडेड टू सेंड जीजाबाई देयर. फिर उनके दिमाग में आया कि शिवनरी फोर्ट है क्यों ना मैं उनको उधर भेज दूँ. शिवनरी वॉज ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जूनार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट है वो. इट हैड स्टीप स्लिप्स ऑन फोर साइड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन एंड मैसिव डोर्स. यानी कि वो जो है उनका क्लिफ यानी कि एकदम बहुत ऊपर है चढ़ाव में इतनी आसानी से कोई आ नहीं सकता और बहुत ही मजबूत है और डोर भी बहुत बड़े बड़े और मजबूत है. वॉल वगैरह सब एकदम मजबूत है. दिस स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज ए रिलेटिव ऑफ द भोसलेज. और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्ट किसके अंडर था चार्ज विजयराज जो रिलेटिव है भोसलेज के. ही एग्री टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई. ये इस हालत में देखा तो उन्होंने बोला हाँ जीजाबाई यहाँ पे रह सकती है. सो शाहजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट द मुगल्स. और मुगल्स को हराने के लिए वो उधर उनको छोड़ के चले गए. नाउ नेक्स्ट पेज. एंड देन द गोल्डन डे डॉन्ड ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ फाल्गुन वैद्या तिथि इन द ईयर 1551 दैट इज 1551 ऑफ द शाखा एरा दैट इज 19 फरवरी 1630 to the sound of pipes and drums playing in the nagar khana jeejabhai gave birth to a son. yani ki inhon jeejabhai ne ek bacche ko janam diya aur bahut se nagade sab baje. the resident of the fort were overjoyed. sab log enjoy karke bahut drum beat sab bahut khush ho gaye. on the 12th day yani ki 12th din jo tha उसमें क्या हुआ. विथ अप्रोप्रिएट सेरेमनी द चाइल्ड वॉज नेम शिवाजी एज द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन फोर्ट शिवनरी. यानी कि उस दिन पे उनको नाम दिया गया उस डेट उतने दिनों के बाद और वो शिवाजी नाम दिया गया क्योंकि वो कौन से फोर्ट में हुए थे शिवनरी में. शिवाजी इज चाइल्डहुड बचपन का दिन कैसा गया. शिवाजी पास द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन हाईली अनसेटल्ड कंडीशन. इवन सो जीजाबाई डिड नॉट नेग्लेक्ट हिज एजुकेशन. क्योंकि एकदम अलग रह रहे थे वो फिर भी जीजाबाई ने अपने आप ही उनको पढ़ाया. उनके पढ़ाई लिखाई उनके हाथ में थी. एवरी इवनिंग शी वुड लाइट द हाउस होल्ड लैम्प एंड देन कॉल शिवाजी टू हर. शाम को घर का सारा काम करने के बाद शाम को दिया जला के वो शिवाजी को अपने पास बुलाती थी. शी वुड shower all her affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu. फिर बहुत प्यार दिखा के प्यार से
ये सब लोगों की कहानियां सुनाती थी। ऑन द अदर ओकेशन शी वुड रिसाइट टू हिम द डिवोशनल सॉन्ग ऑफ नामदेव, ध्यानेश्वर और एकनाथ, और साथ साथ इन लोगों इन सेंट के पोयम और वो जो जो भी थे उन्होंने गाए थे वो भी उनको रात को इवनिंग में सुनाती थी। शिवाजी लाइक टू लिसन टू द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द ब्रेव मैन, इन शिवाजी को बहुत मजा आता था एक एक स्टोरी सब सुनने में ब्रेव मैन की। शिवाजी फेल्ट दैट ऑन ग्रोइंग अप ही शुड ऑल्सो डिस्प्ले वैलोर लाइक देम, उनको ये सब सुन सुन के उस दिन उनको भी लग रहा था मैं भी ऐसा ही बहादुरी वाला काम करूँगा। जीजाबाई यूज टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मेनी पॉइसेस पर्सन्स एंड सेंट, बहुत ही फेमस और ब्रेवरी पर्सन्स की स्टोरीज और सेंट की स्टोरीज उनको सुनाती थी डेली। द इंस्टिल्ड इन हिम ए रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल सेंट एंड ग्रेट मैन, ये सुन सुन के शिवाजी के मन में इन सब लोगों के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट हो गया। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली केम टू प्ले विद शिवाजी, शिवाजी के फ्रेंड्स कौन थे उधर के आसपास के पुअर फैमिली के बच्चे। समटाइम ही विजिटेड देम इन देयर हट्स एंड शेयर द सिंपल मीन ऑफ ओनियन एंड भाकरी विद अ ग्रेट लिरिश, यानी कि कभी कभी उनके घर में जाके उनका सूखा रूखा रोटी और ओनियन के साथ बहुत प्यार से खाते थे एक साथ। दे invented interesting games to pass the time, और अपने आप ही कोई गेम बना के वो लोग खेलते थे। The children of the Marwals were like birds in the forest, यानी कि वहाँ उस जगह के जो थे वो birds थे forest के, यानी खेल खिला के उधर उधर घूमते थे। They would imitate the sound of the cuckoo or parrot or tiger to परफेक्शन, यानी कि साउंड बनाते थे वो लोग सब चिड़िया के। देयर पास टाइम वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट ऑफ अर्थ एंड मेकिंग अर्थन एलिफेंट एंड हॉर्सेस, थोड़ा टाइम मिलता था तो मिट्टी के वो छोटे छोटे किले बनाते थे और एलिफेंट बनाते थे, हॉर्स बनाते थे। दे प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते थे छुपा छुपी, और प्लेड विथ ए बॉल और टॉप, बॉल और टॉप से खेलते थे। शिवाजी ज्वाइंड देम इन ऑल दीज गेम्स एंड बिकम पॉपुलर विथ देम, शिवाजी महाराज इन सब गेमों में हिस्सा लेते थे और पॉपुलर हो गए, सब सब उनको ही लेते थे। सी दिस पिक्चर, माता जीजाबाई कैसे सब उनको स्टोरी सुनाते हो।